अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कटवर्क का एक आसान सा तरीका शेयर करूंगी। इसके बाद आप किसी भी पैटर्न पे आसानी के साथ कटवर्क कर सकेंगे। चाहे आपका एम्ब्रॉयडरी का ड्रेस हो, आपने उसके पैटर्न पे कटवर्क करना हो, या आपका प्रिंटेड ड्रेस हो और आपने उसके पैटर्न पे कटवर्क करना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास स्लीव्स हैं, आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। ट्रायंगल शेप में है इसका पैटर्न। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी मेजरमेंट आपने ले लेनी है। जितना आपका पैटर्न है उसकी आपने मेजरमेंट ले लेनी है। अभी मेरे पास इसकी मेजरमेंट आ रही है 1.5 इंचेस, और हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि टोटल हमने इसकी जो विड्थ लेनी है 2 इंचेस लेनी है। सेम आपने पेपर पेस्टिंग पेज की लेंथ लेनी है 2 इंचेस। अब आपने इस स्लीव्स की बैक साइड पे पेपर पेस्टिंग को आपने पेस्ट करना है, स्लीव्स की बैक साइड पे, यानी कि जो कपड़ा आपके पास गिवन होगा उसकी उल्टी साइड पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इस पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। अगर आपके पास बैक साइड पे इसका पैटर्न शो हो रहा हो तो आप इस पे आसानी से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर शो ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि इसकी जो सीधी साइड है उस पे आपने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इसके साथ साथ। तो ये बैक साइड पे शो हो जाएंगी। इसके बाद आप इसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा के इसको आसानी से बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है सिलाइयाँ, मैं इसको ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। अब आपने एक पट्टी लेनी है जो कि इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा होगी विड्थ में। लेंथ तो इसकी सेम ही आएगी, इसकी विड्थ हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि इसकी एक साइड को हमने फोल्ड करना है। अब इस पट्टी की एक साइड को आप फोल्ड कर दें हाफ इंच। इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आपने इसको कपड़े की सीधी साइड पे रखना है। पेपर पेस्टिंग आपके पास उल्टी साइड पे आएगी और इस कपड़े को आपने सीधी साइड पे रखना है। यहाँ पर आप एक सीधी सिलाई लगा दें ताकि ऊपर ये पट्टी और नीचे स्लीव्स आगे पीछे ना हो और हम आसानी से फिर इसके पैटर्न पे सिलाई लगा सकें। तो पहले यहाँ पर मैं एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब जो भी पैटर्न आपके पास शो हो रहा होगा जिसको आपने कट पर करना हो तो उस पर आप सिलाई लगा लें। टांके का साइज़ आप छोटा कर लें और बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएं।
इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसमें उसको कट कर लेना है। पहले आप जो सीधी सिलाई लगाई थी उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लें। इसके बाद जो ट्रायंगल के बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपने उसको भी कट कर लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान से कट करना है ताकि साथ सिलाई ना कट हो इसकी। इसको मैंने कंप्लीट कट भी कर लिया और इसको प्रेस कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये कटवर्क हो गया है। बैक साइड भी आप इसकी नीटनेस चेक करें। अब यहाँ पर इसकी बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है, इससे इसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। बिल्कुल इसके किनारे पे ही सिलाई लगाते जाएं। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें। और ये हमारे पास कटवर्क की फाइनल लुक। आप इसकी बैक साइड पे इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।